सारे राजनीतिक पंडितों के अनुमानों को गलत साबित करते हुए बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाने वाले नाम का चयन किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। इनका नाम संभवतः मध्य प्रदेश के बाहर के लोगों ने सुना भी ना हो, लेकिन वो 40 साल से संगठन के एक जुझारू कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। उज्जैन दक्षिण से बीजेपी विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। इनके अलावा जगदीश देवरा और राजेश शुक्ला को मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बता दें कि कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव के बारे में आपको बता देते हैं। 25 मार्च 1965 को जन्मे मोहन यादव मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री थे। उनकी गिनती उज्जैन संभाग के बड़े नेता के तौर पर होती है। मोहन यादव ने MBA और PhD की पढ़ाई की है। उनकी पत्नी का नाम सीमा यादव है। खास बात यह है कि चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में मोहन यादव ने बताया था कि उनके ऊपर कोई भी आपराधिक केस दर्ज नहीं है। छात्र जीवन से ही मोहन यादव ABBP से जुड़े रहे हैं। 1984 में उज्जैन विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री और 1986 में विभाग प्रमुख बने। 1984 में ही वे माधव विज्ञान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव की वजह से 1997 में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश समिति में मोहन यादव ने जगह बनाई। इसके बाद उन्होंने संगठन में अलग अलग पदों पर कार्य किया। मोहन यादव पहली बार 2011 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के अध्यक्ष बने, जिसका दर्जा कैबिनेट मंत्री का था। 2013 में मोहन यादव पहली बार विधायक बने। 2018 में वो दूसरी बार विधायक बने। 2020 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो मोहन यादव फिर से मंत्री बने। पार्टी में कई बार उन्हें मंत्री बनने का मौका मिल चुका है। बता दें कि मोहन यादव का विवादों से भी नाता रहा है। साल 2020 में चुनाव आयोग ने मोहन यादव को असंयमित भाषा के लिए नोटिस दिया था। एक दिन के लिए उनके चुनाव प्रचार पर रोक भी लगी थी। 2021 में वो दोबारा विवादों में तब आए जब उनके उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा विभाग ने कानून पारित किया, जिसमें कहा गया कि अगर किसी छात्र के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसे कॉलेज में दाखिला नहीं दिया जाएगा। इस फैसले का खूब विरोध हुआ। इसके अलावा भी मोहन यादव कई बार अपने बयानों के कारण विवादों में रह चुके हैं, लेकिन पिछले 4 दशक से विद्यार्थी परिषद, RSS, भाजयुमो में संगठन में काम करते रहे मोहन यादव का नाम जब मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित हुआ तो बड़े से बड़े राजनीतिक जानकार भी चौंक गए। लेकिन बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर अगर गौर करें, खासकर 2014 के बाद से, तो यह फैसला उतना नहीं चौंकाएगा। बता दें कि कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। जगदीश देवरा और राजेश शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो अगले कुछ दिनों में आपको ये नाम कई बार सुनाई देने जा रहा है, मोहन यादव। टाइम्स नाउ, नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।